क्योंकि हम लोग एटा में ब्लॉक पे कवरेज कर रहे थे, यहाँ पे फोन पहुँचा के मरैची पे जो ब्लॉक है उस पर बीजेपी के गुंडों ने या विधायक ने जो कब्जा कर रखा है और दूसरे समाजवादी पार्टी के लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे हैं। हम लोग बवाल हो रहा है तो इसी सूचना पर हम लोग जहाँ मरैची पर आए, यहाँ पर जैसे ही हम लोग ब्लॉक पर पहुँचे वैसे ही जो बीजेपी के जो मूवमेंट के अंदर 150-200 के करीब भीड़ थी ब्लॉक के अंदर, जहाँ नॉमिनेशन हो रहा है, जहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं जाने की, वो लोग एग्रेसिव हो गए। हम लोगों ने परिचय दिया कि हमारे साथ कई भी लोग थे, भारत समाचार और भी पत्रकार थे, कहा कि हम लोग पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने हम लोगों पर पथराव कर दिया, हम लोग जान बचा के भागे, बाकी लोग निकल गए, पुलिस जो हमारा मूक दर्शक बन के खड़ी देखती रही। फिर उन्होंने जो हमारा मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसमें हम वीडियो बना रहे थे, वो हमने उसको मोबाइल बचाने की कोशिश की तो चार दफ़े घेर के फिर उन्होंने हमारे ऊपर पथराव कर दिया। ईंट पर ईंट पड़ी, फेस पर पड़ी, ये हाथ पर लगी, ये ब्लीडिंग चल रही है। बहुत मुश्किल से हमने अपनी जान बचा पाई और उसके बाद भी वो करीब 3 बजे तक, जब तक कि टाइम नहीं निकल गया, वो 150-200 लोगों की भीड़ जो हिंसक हो गई थी वो ब्लॉक के अंदर ही रही, पुलिस बाहर खड़ी रही और मतलब चोट लगने के बावजूद ही पुलिस ने बिल्कुल भी उनको खदेड़ने का या बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद अभी वो लोग जो है ब्लॉक, जब ये टाइम ख़त्म हो गया नॉमिनेशन का, तब वो लोग बाहर निकल गए। हम लोग अभी यहीं खड़े हुए हैं और हम अभी मेडिकल ट्रीटमेंट भी अपना कराएंगे, लेकिन उससे पहले इनके सब गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और जब तक हमारी सुनी नहीं, हमको न्याय नहीं मिलता है, हम तब तक थाने पर जाके हम अपना थाने पर करेंगे विरोध प्रदर्शन करेंगे।